बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है एकदम टमाटर सूप रेस्टोरेंट स्टाइल। ये देखिए एकदम मज़ेदार। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी टमाटर सूप। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो टमाटर एकदम लाल, सर्दियों में अच्छे फ्रेश लाल लाल आते टमाटे, आधा किलो टमाटे है, इसको रफली चॉप कर लेना। सर बड़ा बड़ा ऐसा कैसा भी कट कर ले सकते। चूल्हा से लगा लेंगे, कुकर रख लेंगे बिस्मिल्लाह। जो टमाटे काट लिए अब एक कुकर में डाल लेंगे बिस्मिल्लाह। आधा कप पानी, आधा कप पानी से ज़्यादा नहीं डालना, उस टमाटर का भी पानी छूटता उसमें। कुकर का ढक्कन लगा, लो टू हाई मीडियम पे दो से तीन सीटियाँ आने देना, हाई फ्लेम नहीं रखना, लो टू हाई मीडियम पे बस इतनी रखना। आज दो से तीन सीटियाँ आने देना आज। चलिए दो से तीन सीटियों के बाद मिलती बिस्मिल्लाहिर्रहमान। टमाटर अच्छा मिल गया, इसको अच्छा पूरा ठंडा कर लेके एकदम मिक्सी जार में डाल लेके अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लेना इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा टमाटर ठंडे हुए से एकदम स्मूथ पेस्ट बना ली इसका। अब इसको छान लेना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा पूरा ठंडा हुए से इसका पेस्ट बना ली, एकदम स्मूथ पेस्ट बना ली। पूरा ठंडा हो बस से पीसना। और टमाटे जब कुकर में डाली मैं, उसमें आधा चम्मच नमक भी डाल के टमाटे गले से हूँ, वो वीडियो स्किप हो गया वो। अब इसको छान लेना, इसको बॉल ले लेके छन्नी लेके इसमें डाल लेके अच्छा छान लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा छान लिए, इसके छिलके बींजा सब इसमें रहे, ये सब ये अच्छा स्मूथ पेस्ट बन गया छान लेने से। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई रख लेंगे बिस्मिल्लाह। एक चम्मच होता बटर डाल लेंगे, दो से तीन लौंग बिस्मिल्लाह, एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा, एक ताजा इसका तो हल्का रोस्ट करना। बटर को जलने नहीं देना, चूल्हा लो टू मीडियम पर रख। अब ये डाल लेना टमाटर प्यूरी जो निकाल लिया, जो ये अपन निकाल के रखे ना, इसको फ्रिज में रख के बाद में भी बना के पी सकते, दो चार दिन के बाद कभी भी ऐसी चीज को पीस के फ्रिज में स्टोर कर ले सकते, नहीं कुछ सालन बना रहे तो उसमें भी ले सकते। इसको अच्छा पकने देना। एक कप उतना पानी डाल लेना से बिस्मिल्लाह। अच्छा इसको हाई फ्लेम पे बॉईल आने देना है। नमक अपन टमाटे गलाते खुद ही डाले सो, इसमें नमक कोई कुछ भी नहीं डालना। नमक में जब गलाते खुद ही डाली सो कुकर में, उसकी वीडियो स्किप हो गई। इसको अच्छा बॉईल आने देना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा एक तीन चार मिनट अच्छा पका ली इसको। अब एक चमचा कॉर्नफ्लोर ले लेके थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा, नहीं अगर कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाह रहे तो ऐसे भी पी ले सकते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन चार मिनट अच्छा पका ली इसको। अब ऐसी अगर पीना चाह रहे अपन तो ऐसी पी ले सकते, अगर होटल जैसा स्टाइल अपन बाहर से मंगाए के पिए तो कैसा ठीक रहता सूप। अगर वैसा पीना चाह रहे तो एक चमचा कॉर्नफ्लोर लेके, एक चमचा कॉर्नफ्लोर ले लेके उसमें थोड़ा पानी डाल लेके मिक्स कर लेना। अपन कहीं बाहर होटल में भी बैठे मंगाए सूप पीने तो एकदम ज़रा ठीक रहता हो, वो स्टाइल रहना बोले तो थोड़ा एक चमचा कॉर्नफ्लोर डालें बिस्मिल्लाहिर्रहमान। एक हाथ से डाल लेते हुए एक हाथ से हिला लें। लो मीडियम पे एक दो से तीन मिनट पका लेना, थोड़ा थिक हुए तक पका लेना इसको।
बिस्मिल्लाह। ये जो दालें अपन खड़े मसाले ये निकाल लेना, इसका अच्छा फ्लेवर आ गया, इसमें खुशबू आ गई, इसकी ये निकाल लेना। तेज पत्ता और चलिए ठीक होना शुरू होगा सूप। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पक्के सूप डन है एकदम। इसमें एक आधा चम्मच काली मिर्ची लास्ट में डालना, इसका अच्छा फ्लेवर आता काली मिर्ची। मिक्स कर लेना इसको। ये देखिए एकदम मज़ेदार सूप रेडी है, टमाटर सूप। अच्छे एकदम लाल लाल आ रहे अब टमाटर, अच्छे आ रहे, पूरी तरकारी अच्छी फ्रेश आती है अब सर्दियों में, एकदम हरे हरा हरा सब टमाटर भी अच्छे लाल लाल आ रहे। ये देखिए सूप रेडी है, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एकदम मज़ेदार सूप रेडी है, गर्मा गर्म बना के अपने घर वालों को बना के पिलाइए, बच्चे खुशी से पीते। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान, थोड़ा क्रीम डालेंगे ऊपर से। थोड़ा पुदीने के पत्ते से डेकोरेशन। चलिए रेडी है टमाटर सूप। चलिए चलती हूँ फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूंगी आप लोगों से।